बॉलीवुड में 2 से 3 साल में एक मूवी देने के लिए आमिर खान जाने जाते हैं, लेकिन अब आमिर की जगह ऋतिक लेते दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से ऋतिक हर साल अपनी एक मूवी जरूर लाते हैं और ऋतिक की ये मूवी कुछ हटकर और अनोखी होती है। लेकिन 2018 में ऋतिक अपनी एक भी मूवी नहीं ला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 2018 में ऋतिक रोशन की एक भी मूवी रिलीज नहीं होगी। 2018 में ऋतिक रोशन की सुपर 30 आने वाली थी, जिसे आनंद कुमार की बायोपिक पर बनाई जा रही थी, लेकिन अब फिल्म की रिलीज डेट टाल दी गई है और इसे 25 जनवरी 2019 कर दिया गया है। सुपर 30 पहले 23 नवंबर को आ रही थी, लेकिन अब 23 नवंबर को टाइगर श्रॉफ की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 आएगी, तो यहाँ ऋतिक रोशन के फैंस 2018 में खाली रहेंगे। हालांकि ऋतिक एक मराठी मूवी में दिखेंगे, लेकिन जिन्हें मराठी नहीं आती उनके लिए मूवी कोई काम की नहीं होगी, तो अब ऋतिक की फिल्म देखने के लिए 2019 तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 2019 में ऋतिक बैक टू बैक मूवी देंगे और अपने फैंस को खुश करेंगे, तो 2018 में ऋतिक की कोई मूवी न होने पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।